जोरदार तालियां आप लोग आदरणीय पूनम मिश्रा जी के लिए बजा दें। बहुत साहित्यिक गीत वो पढ़कर गई हैं। अगले रचनाकार को मैं इसी शर्त पर बुलाऊंगा कि आप लोग बिल्कुल जागृत होकर सुनेंगे। गोंडा में ऐसे तो कविताएं नहीं सुनी जाती। आज ही के एक साल पहले मैं चचरी बाजार में आया हुआ था आदम गोंडे जी की स्मृति में आयोजित सम्मेलन में, तो पूरे मन के साथ आप लोग जुड़ जाइए। अगले रचनाकार को मैं बुलाने जा रहा हूँ, उनका परिचय मैं जो दूंगा उससे पहले एक बात उनके बारे में कहना चाहूंगा। आज के कुछ साल पहले उन्होंने एक शेर कहा और उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, और आज ऐसी स्थिति है कि उस शेर को मुरारी बापू से लेकर के आईएएस की कोचिंग पढ़ाने वाले विकास दिव्यकीर्ति जी और ना जाने कितने सारे रील्स इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएंगे। मैं उसी शेर के साथ उनको आवाज देना चाहूंगा। वो शेर पढ़ूंगा तो हो सकता है यहाँ बैठे कुछ लोग उस शेर से पहले से ही परिचित हों। उन्होंने लिखा, अगर वो पूछ ले मुझसे तुम्हें किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले मुझसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले मुझसे। इस शेर के जो सबसे सही रचनाकार हैं, अभी रेखता पर बहुत सारे लोगों ने जब पूछा कि इस शेर के रचनाकार कौन है तो उन्होंने अज्ञात लिख दिया। अभी ये संदेश मिल चुका है रेखता को, रेखता भी बहुत जल्द आदरणीय लोकेश त्रिपाठी जी के नाम से शेर को साझा करेगा। आप सभी लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत करिए कि आपके बीच में लोकेश त्रिपाठी जी शेर के रचनाकार हैं, जिसको बापू अपने कई सारे मंचों से पढ़ चुके हैं। चार पंक्तियों के साथ में उन्हें आवाज देना चाहता हूँ। बहुत सारे गीत गजल छंद मुक्तक वो पढ़ते हैं, हर विधा पे उनका कमान है, और जब कभी संवेदनाओं की बात होती है तो उनकी कलम चल पड़ती है, जब श्रृंगार की बात होती है तो वो लिखते हैं। तो मैं उन्हें चार पंक्तियों के साथ आवाज देना चाहता हूँ। मुझे ध्यान आता है मासूम गाजियाबादी जी का वो शेर कि खुशी से झूमती बारात को छोड़ो उन्हें देखो, खुशी से झूमती बारात को छोड़ो उन्हें देखो कि जिनको नाच गाने का बहाना तक नहीं मिलता, खुशी से झूमती बारात को छोड़ो उन्हें देखो कि जिनको नाच गाने का बहाना तक नहीं मिलता, और जो बारातों में अक्सर रोशनी का बोझ ढोते हैं उन्हीं बच्चों को बारातों में खाना तक नहीं मिलता। ऐसी संवेदनाओं वाली पंक्तियां लिखने वाले आदरणीय लोकेश त्रिपाठी जी लखनऊ से चलकर आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए, उनका अभिनंदन करिए। लोकेश त्रिपाठी, बहुत बहुत आभार रामायण। पिछले 5 दिनों से इस गोंडा जनपद में एक महोत्सव चल रहा है, और इस महोत्सव का उद्देश्य यह है कि हम अपने आजादी के स्वतंत्रता आंदोलन में जिन शहीदों ने अपनी जान दी है उनको हम लोग अपने दिलों में बसाएं, उनकी परंपराओं को जानें। इसी क्रम में अभी पिछले दिनों जिला कारागार में रहना हुआ गोंडा के, वहाँ एक कार्यक्रम था। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, अन्य अधिकारी वहाँ आए हुए थे। एक अद्भुत कार्यक्रम वहाँ हुआ था, और वहीं से एक प्रेरणा ली गई, वहीं से एक सीखा गया। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने वहां कहा था कि हम सभी को एक इतिहास का अध्ययन करना चाहिए, अपनी संस्कृति का अध्ययन करना चाहिए। तो मैं बताना चाहूंगा कि 9 अगस्त 1925 को दरअसल कोई ट्रेन नहीं खींची गई थी, बल्कि ब्रिटिश सत्ता को डिरेल कर दिया गया। क्या बात है, ब्रिटिश सत्ता को डिरेल कर दिया गया था। उन्हें चेतावनी दे दी गई थी कि अब आपकी सत्ता यहाँ बहुत दिनों के लिए नहीं है, अब आपको यहाँ से हटना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा। और साहब, अंग्रेजों की आप घबराहट देख लीजिए कि इस गोंडा जनपद के उस शहीद को इन लोगों ने अन्य बलिदानियों के पहले 3 दिन पहले फांसी पर चढ़ा दिया, जबकि आज ही का वो पवित्र दिन है जब 3 हमारे अन्य बलिदानी फांसी की सजा पाए और वो शहीद हुए। मैं वहां से शुरू करता हूं, मैं वो दृश्य आपके सामने रखता हूं एक छंद के माध्यम से, सभी का ध्यान चाहूंगा। वो दृश्य रखता हूं कि आंख लाल लिए और सावकों शिक्षा ले लिए, आंख लाल लाल लिए सावकों शिक्षा ले लिए, सिंह गर्जना उठाए चले जा रहे। क्या बात, वो कदम जो फांसी के फंदे की ओर बढ़ रहे हैं। आंख लाल लाल लिए सावकों शिक्षा ले लिए, सिंह गर्जना उठाए चले जा रहे, माँ भारती के चरणों में अर्पित है प्राण अब, माँ भारती के चरणों में अर्पित है प्राण अब, ये सोच सोच मन में मुस्काए चले जा रहे, ये सोच सोच मन में मुस्काए चले जा रहे,
आएंगे फिर लौट कर मातृभूमि चूमने, अरे आएंगे फिर लौट कर मातृभूमि चूमने, और दिल में इंकलाबी लौ को जलाए चले जा रहे। क्या बात है। डालकर स्वयं गले में फांसी के फंदे को, डालकर स्वयं गले में फांसी के फंदे को, नभ थल जल सभी को रुलाए चले जा रहे। डालकर स्वयं गले में फांसी के फंदे को, नभ थल जल सभी को रुलाए चले जा रहे। मात्र संभवतः 4601 रुपए की वो लूट थी, जिस पर अंग्रेज शासन ने 6 महीने में 10 लाख रुपए खर्च कर दिए। इतनी हड़बड़ाहट थी। हमारे इन शहीदों को फांसी के फंदे तक ले जाने की, क्योंकि उन्हें पता था कि हम इनको अगर बहुत दिनों तक रखते हैं तो ये क्रांति की एक नई मिसाल बनकर के और सामने आ। ये घटना ये भी है, एक चलता है कि चंद्रशेखर आजाद जी हमारे लाहड़ी जी को छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे इस जेल के माध्यम से। वहां से एक पंक्तियां देता हूँ एक गीत के रूप में, और मैं चाहता हूं कि चूंकि एक उत्सव है, एक तालियों के साथ हमारे साथ जुड़िएगा। मैं एक गीत रखता हूं। क्या दृश्य है इस आजादी के अमृत महोत्सव का, क्या सपना है और क्यों ये कार्यक्रम हो रहा है, क्यों ये जिला प्रशासन संस्कृति विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों से ये सब कार्यक्रम चल रहा है, मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से बताता हूँ। लाल किले से चल के तिरंगा, लाल किले से चल के तिरंगा हर छत पर लहराएगा, लाल किले से चल के तिरंगा हर छत पर लहर, हल्की हल्की अगर ताली बजाएंगे तो और आनंद आ जाएगा। लाल लाल किले से चल के तिरंगा हर छत पर लहराएगा, भारत माँ के जयकारों से, भारत माँ के जयकारों से हर घर मंदिर बन जाएगा, भारत माँ के जयकारों से हर घर मंदिर बन जाएगा। आजादी की स्वर्णिम बेला को ही नूर सी चमक रही, आजादी की स्वर्णिम बेला को ही नूर सी चमक रही, राष्ट्रवाद की अद्भुत ज्वाला हर दिल में अब दहक रही, राष्ट्रवाद की अद्भुत ज्वाला हर दिल में अब दहक रही। एक दिन भारत का बच्चा बच्चा, हाँ भारत का बच्चा बच्चा, इस भारत का बच्चा बच्चा आजाद भगत कहलाएगा। एक दिन भारत का बच्चा बच्चा आजाद भगत कहलाएगा, और भारत माँ के जयकारों से हर घर मंदिर बन जाएगा, भारत माँ के जयकारों से हर घर मंदिर बन जाएगा। अगला बंद रखता हूँ। स्वागत भैया। जाने कितनी जान गई, कितनी कुर्बान जवानी हुई, जाने कितनी जान गई, कितनी कुर्बान जवानी हुई, बलिदानों की अब तक लेकिन पूरी नहीं कहानी हुई, बलिदानों की लेकिन अब तक पूरी नहीं कहानी हुई। जिस दिन ये गौरव गाथाएं, जिस दिन ये गौरव गाथाएं, जिस दिन ये गौरव गाथाएं हर कोई दोहराएगा, भारत माँ के जयकारों से हर घर मंदिर बन जाएगा, भारत माँ के जयकारों से हर घर मंदिर बन जाएगा। अंतिम बंद रखता हूं, इसके बाद एक मुक्तक से अपना स्थान लूंगा। स्वागत। अब आई है अपनी बारी इस ऋण को लौटाने की, अब आई है अपनी बारी इस ऋण को लौटाने की, मूल्यों की परिभाषा गढ़ प्रतिमानों को अपनाने की। जिस दिन ये मन भारत माँ के, जिस दिन ये मन भारत माँ के चरणों में रम जाएगा, जिस दिन ये मन भारत माँ के चरणों में रम जाएगा, भारत माँ के जयकारों से हर घर मंदिर बन जाएगा। एक 4 लाइन का मुक्तक रखूंगा और फिर अपना स्थान लूंगा, और उम्मीद करूंगा कि इन पंक्तियों के साथ आप उसका रिस्पांस करेंगे। चलो मिलकर के आजादी का अमृत पान करते हैं। क्या बात।
चलो मिलकर के आजादी का अमृत पान करते हैं, शहीदों का खड़े होकर के हम सम्मान करते हैं, शहीदों का खड़े होकर के हम सम्मान करते हैं, लगाते हैं कि भारत माँ के नारे एक स्वर होकर, आवाज आनी चाहिए, लगाते हैं कि भारत माँ के नारे एक स्वर होकर, भारत माता के लगाते हैं कि भारत माँ के नारे एक स्वर होकर, कि जय जय हो सदा हो जय ये अमृत गान करते हैं, कि जय जय हो सदा हो जय ये अमृत गान करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बढ़िया, जय हिंद। अगर आपके हुनर में है दम तो आपकी प्रतिभा को जन जन तक पहुंचाएंगे हम, गायन वादन नृत्य अभिनय कविता या अन्य किसी भी विधा में है आपकी रुझान, तो आप भी देश विदेश में बना सकते हैं अपनी एक अलग पहचान। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। हम सबका अपना मंच, सोशल मीडिया मंच, जन जन की आवाज।